कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने नामांकन के आखिरी दिन देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन कर दिया है, जिससे अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच नरेश मीणा का पांच पांडव वाला एक पोस्टर वायरल भी हो रहा है। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने बीएपी, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के साथ रविन्द्र सिंह भाटी से भी चुनाव में समर्थन मांगा था, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा के समर्थन की बात भी कही है। दिया उसको बना दोगे तुम बीजेपी का हेमंत और ढांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा, लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा एक कह देना चाहता हूँ, जाट भाइयों से पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को किवसर से जिता के भेजना, जैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी को जिताया था। आने वाले समय में अब तक हनुमान बेनीवाल अकेला था, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रोहत उसके साथ खड़ा है, हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा, जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे। आने वाले समय में किसान का 2028 के चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही बस लेंगे, मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवी उनियारा से चुनाव लड़ रहा नरेश, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है, और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करना देवी उनियारा हूँगा। और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जो मेरे मित्र हैं सांसद नगीना और राजकुमार रोड से भी बात करूँगा, एम पी मेरा छोटा भाई है, कोशिश करेंगे हम तीनों नरेश के अपील करें और नरेश को जीता के राजस्थान की विधानसभा का प्रतिनिधि वहाँ भी लड़ने वाले लोगों की आवश्यकता। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां से भाजपा ने सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिवंगत पूर्व विधायक जुबैर खान के पुत्र आर्यन को मैदान में उतारा है। ये दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। सुखवंत को राजनीति में 3 चुनाव का अनुभव है, लेकिन आर्यन खान का ये पहला चुनाव है। सुखवंत सिंह 2010 से राजनीति में आए थे, तब वह लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान बने, उसके बाद वह भाजपा में पूरी तरह सक्रिय हो गए। भाजपा ने 2018 में ज्ञानदेव आहूजा का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह कांग्रेस की साफिया खान से चुनाव हार गए थे। तो वहीं बात अगर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर की करते हैं, तो उनको भले ही ये उनका पहला चुनाव हो, लेकिन वो अपने पिता जुबैर खान और मां साफिया खान के चुनावों में भी पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं। सारा मैनेजमेंट वो खुद ही देखा करते थे। उनके विजन के हिसाब से होंगे, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से होंगे, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे ERCP जो हमारे एरिया का बहुत बड़ा मुद्दा है उसकी बात हो, सबके लिए लड़ाई लड़ी। देखिए कमियां तो ऐसा कोई रही नहीं ज़्यादा, बड़े लेवल की कमियां हैं जो सरकार के लेवल पे हैं, जैसे कि रिकोस के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो नौजवानों को युवाओं के लिए रोज़गार के लिए करे थे, वो फाइल्स अटकी पड़ी हैं दिल्ली में, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ERCP बहुत बड़ा मुद्दा है जो पानी का है। देखिए पिछली दोनों बार भी हम नज़दीक ट्रायंगलर संघर्ष में फंसकर बहुत नज़दीक पहुँचे जीत के, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे कद्दावर नेता माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, और पूरा शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया एक छोटे से कार्यकर्ता पर, और इस बार मुझे पूरा यकीन है पार्टी सारी एकजुट है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुट होकर इस कमल को अवश्य खिलाएंगे। और मैं पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार जो आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरूंगा। और अजमेर से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि मूर्तियों को खंडित किया गया है। पीर मीठा गली में बालाजी की मूर्ति को खंडित किया गया है। प्राचीन चंदमोली महादेव हिंगलाज मंदिर में